हुण गल कर लैने अमृतपाल दी। असाम दे डिब्रूगढ़ जेल दे विच अमृतपाल दा नवा ठिकाना है। अमृतपाल दे नौ साथी पहला तो ही डिब्रूगढ़ जेल दे विच सजा काट रहे ने। बीते दिन मोगा दे पिंड रोडे तो अमृतपाल दी गिरफ्तारी हुंदी है। अमृतपाल दी गिरफ्तारी तो बाद पंजाब भर दे विच पुलिस दे वल्लों अलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने वख-वख शहरां दे विच फ्लैग मार्च कढ़िया ते लोकां नूं शांति बनाए रखण दी अपील की गई है। जिस तरह पहला ऑपरेशन अमृतपाल दे 36 दिनां दे तहत लोकां ने शांति बना के रखी है, उस तरह लोकां नूं अपील की गई कि हुण भी अफवाहां ते यकीन ना किया जाए। पंजाब की जो स्थिति है पंजाब पुलिस दे अंडर कंट्रोल है, तो लोगों नूं भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल भी लोगों नूं अपील करता है कि अफवाहां तो दूर रहा जाए। ਸੋਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਸੁਮੇਧ, ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਕਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ? देखिए यहाँ पर तीन स्तर पर थ्री टीयर सिक्योरिटी जिसे कहा जा रहा है, वैसी तगड़ी सुरक्षा के इंतजाम किया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हम एक वक्त बिल्कुल जेल के सामने हैं और जेल का ये मेन गेट है, और मेन गेट से ही पहले तो जो असम पुलिस के कमांडो है, कमांडो फोर्सेज है, उनको रखा गया है। इसके साथ साथ पूरे जेल को CRPF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उनके जवानों ने घेर के रखा है, और फिर भीतर जो जेल के पुलिसकर्मी रहते हैं वो है। लगभग तीन स्तर पर यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात किया गया है। जैसे ही ये खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा था और डिब्रूगढ़ जेल में लिया जा रहा था, तब से ही ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, ऐसी सिक्योरिटी टाइट बनी हुई है। कल जब अमृतपाल सिंह को यहाँ पर लेकर आया गया तो विशेष सेना के विशेष विमान से उनको यहाँ पर लेकर आया गया। मोहनबाड़ी एयरपोर्ट से यहाँ तक करीब आधा घंटे की डिस्टेंस है, और ये पूरी जगह को सैनिटाइज करके और ग्रीन कॉरिडोर बना के तगड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच से उन्हें यहाँ तक लेकर आया। और उनको जो बताया जा रहा है, कल जब शाम तक की जो न्यूज इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि उनके जो नौ साथी अलग जो पहले से ही गिरफ्तार हुए यहाँ पर है, उनके साथ ही उनको उनके साथ भी वो मिले और वही उनके साथ ही रहे थे। आज उनके लिए अलग से सेल शायद मुहैया कराई जाएगी, और अगर परिवार वालों की तरफ से या फिर उनके लीगल जो असिस्टेंस देंगे वो अगर मिलना चाहेंगे तो शायद वो भी आज या कल वो यहाँ तक डिब्रूगढ़ आ सकते हैं, ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है। जी, अगर बात की जाए सुमेध, यहाँ पे अमृतपाल को रखा गया है जेल में, तो ऐसे क्या इंतजाम उन्होंने किए हैं? जेल के बाहर तो सुरक्षा के इंतजाम देखे जा सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर ऐसे क्या इंतजाम है जो कि पंजाब से बेहतर उसे यहाँ पे रखा जा सके? देखिए, एक टोपोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये डिब्रूगढ़ का कम्युनिकेशन बहुत इजी है देश के दूसरे हिस्से से पंजाब के साथ भी। तो जो NSA के तहत जो टीम बनाई गई है, जो जांच पूछताछ कर रही है, वो टीम भी यहाँ पे बहुत जल्द ही कम्युनिकेट कर सकते हैं फ्लाइट के ज़रिए या फिर ट्रेन के ज़रिए। तो ये एक सुविधा है इस जेल में, और साथ ही साथ पंजाब जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को बताया गया था कि देश में ऐसी एक जगह जहाँ पर इनकी सुरक्षा भी दिया जाए और साथ ही साथ जो स्थानीय स्थानीय जो वातावरण है वो भी सही हो, ताकि कहीं पे कोई इनके प्रोटेस्ट पे कोई गलत कदम ना उठा पाए या फिर पुलिस की तगड़े इंतज़ाम रहे जेल के आसपास भी। तो वो भी इन्होंने देखा कि यही सही होगा, तो केंद्र सरकार की तरफ से ही असम सरकार को ये निर्देश दिया गया कि डिब्रूगढ़ जेल में इन्हें रखा जाए। मैं आपको बता दूँ, डिब्रूगढ़ जेल में इससे पहले जब से इनकी अमृतपाल सिंह की सहयोगियों को गिरफ्तार करके ले आया जा रहा था, उसके बाद एसजीपीसी की तरफ से तीन सदस्यीय एक टीम ने जो लीगल असिस्टेंस देने के लिए वो यहाँ पर आके पहुँचे थे। तीन दिन पहले दलजीत सिंह कलसी की वाइफ और उनके बेटे
वो दोनों भी आके यहाँ पे मिलके गए हैं और कुछ सोशल मीडिया में गलतफहमी फैलाने की भी कोशिश किया जा रहा है एक तबकों से कि बताया जा रहा है कि ये जो अमृतपाल सिंह और उनके जो सहयोगी है कि उनका यहाँ पे रहने का खाने का सही से इंतजाम नहीं हो रहा है, ये सब देखने के लिए परिवार वाले और जो लीगल जो लॉयर्स है वो यहाँ पर आए थे आकर देखे और उन्होंने भी मीडिया से बताया कि इनके लिए यहाँ पर कोई असुविधा नहीं हो रही है क्योंकि असम का खाना यहाँ का जेल खाना और पंजाब के जेल के खाने में भी काफ़ी अंतर होता है, तो वैसा कोई अंतर नहीं है। इनको टाइप बी दर्जे का कैदी माना जा रहा है और इनको यहाँ पर रखा गया है। इनसे एक बार पूछताछ भी हो चुकी है और आगे की क्या रणनीति है वो पंजाब पुलिस, क्योंकि पंजाब पुलिस का एक टीम भी उनके साथ ही आया और कल जब जेल के अंदर उन्हें ले जाया जा रहा था तो पंजाब पुलिस की तरफ से ही सारी कार्रवाई किया जा रहा था, जो ऑफिशियल प्रोसीजर है पंजाब पुलिस ही कर रही थी। तो यहाँ पे असम सरकार की तरफ से देखा जा रहा है कि जो इनका जो एक कैदी को जो जेल में जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए इनकी कोई कहीं पर कमी नहीं हो, और साथ ही साथ ये जो एक साथ अभी 10 हो गए अमृतपाल सिंह को लेके 10 कैदी यहाँ पर मौजूद है, इनका भी इनके साथ सुरक्षा और इनके आपस में क्या कुछ बातचीत हो रही है इसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। हम आपको बता दें कि जेल में डिब्रूगढ़ जेल में 57 पेयर ऑफ सीसी कैमरा पहले से ही लगाया गया था लेकिन कल 12 पेयर यानी 24 नए कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल कराया गया है और अमृतपाल और उनके साथी लगातार 24 घंटा सीसी कैमरे के निगरानी के अंदर ही यहाँ पे रह रहे हैं। जी सुमित, अगर बात की जाए पंजाब से एसजीपीसी की टीम जो है 27 अप्रैल को यहाँ अमृतपाल के परिवार को लेकर जेल में पहुंचेगी मुलाकात करवाने के लिए, तो इसको लेकर जेल के प्रशासन की तरफ से क्या कोई सख्ती के साथ रूल्स बनाए गए हैं परिवार से जब मुलाकात करवाई जाएगी अमृतपाल की? जी नहीं, जेल की जो रूल्स हैं वही रूल उनको फॉलो करना है क्योंकि इससे पहले भी जब एसजीपीसी के जो लॉयर्स आए थे वो एक दिन उनको यहाँ पे रोकना पड़ा। पहले जेल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीमेट किया जाता है क्योंकि ये कोई स्पेशल कैटेगरी के कैदी नहीं है, इनको इंटीमेट किया जाता है और जेल में कैदियों से मिलने का जो समय है उसी समय निर्धारित किया जाता है और उसी समय ये आकर मिलते हैं। तो अभी भी जब परिवार वाले या फिर लॉयर्स जब आएंगे तो उसी नियम का पालन करना पड़ेगा। जी, अगर बात की जाए इस जेल के आसपास इलाके की तो क्या पुलिस ने नाकाबंदी की गई है कि लोगों में भी वहां दहशत ना फैले, इस तरह के कोई इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये सामने का जो इलाका है क्योंकि ये डिब्रूगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से भी बताया है कि यही एक सुरक्षित शहर होगा या इसके यहाँ पे जेल ही सबसे सुरक्षित है जहाँ पर किसी तरह के कोई हलचल इस पर नहीं होगी, किसी तरीके की हलचल कहीं पे नहीं होगी। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे करीब 2000 के आसपास सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं और असम में उनको ये पहली बार हुआ देश में जब किसी राज्य में धार्मिक धर्म के तौर पर धर्म के ऊपर संरक्षण दिया गया है तो सिख यहाँ पे संरक्षित श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर कोई ऐसी कोई हलचल नहीं होगी या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब नहीं होगी। आसपास के दो नाका यहाँ पर है जहाँ पर पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई है और साथ ही हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो कमांडो फोर्सेस है यहाँ पे लेडी ऑफिसर्स को भी यहाँ पे रखा गया है और जैसे मैं बता रहा था 57 पेयर्स कैमरा तो थे ही, उसके साथ साथ और 24 कैमरे यहाँ पे लाया गया है ताकि अमृतपाल सिंह का हर एक मूवमेंट जेल के अंदर भी वो निगरानी में रखे ताकि यहाँ से कोई कुछ प्लान ना हो जाए, यहाँ से कोई जेल के अंदर में कोई कहीं पर चूक ना रह जाए उनकी सुरक्षा के लिए या फिर उनके जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा चूक ना हो जाए कि जेल में बैठे हुए भी कुछ गलत काम वो कर सके। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर टाइट कर दी गई है ताकि कहीं पर भी किसी तरह के का कोई समस्या नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। जी सुमित, अगर बात की जाए अमृतपाल के साथी, 9 साथी हैं और 10वां अमृतपाल जिनको गिरफ्तार करके इस जेल में अंदर बंद रखा गया है, तो पुलिस का यहाँ की पुलिस का क्या कहना है? पंजाब पुलिस उनका लगातार टाई अप, उनसे बातचीत होती है, इन मामलों में कुछ साथी हैं उनको पंजाब की तरफ रिहा किया जाएगा या फिर अभी उनको जेल में ही बंद रखा जाएगा?
जी इस बारे में तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो NSA के तहत जो डिसीजन लिया जाएगा वो पंजाब पुलिस लेगी, और क्योंकि यहाँ पर असम पुलिस का या असम एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ इनको यहाँ पे जेल में सुरक्षा मुहैया कराना और जेल में जगह बना कर देना ही असम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से जब हमने पूछा था इस विषय में तो उन्होंने कहा कि उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश मिला था कि असम में एक जगह जो ऐसी जेल चाहिए जहाँ पर ऐसी कैदियों को NSA के तहत कैद किए गए कैदियों को सुरक्षा मिले और उनकी सुरक्षा निश्चित किया जाए। तो इसीलिए डिब्रूगढ़ को चुनकर असम सरकार की तरफ से केंद्र को बताया गया और केंद्र के माध्यम से ये पंजाब गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया गया है। अभी यहाँ पे जो हो रही है उनसे जांच के लिए पंजाब से पहले ही एक टीम आ चुकी है, वो NSA की 5 सदस्यीय एक टीम जो पूछताछ करके चली गई है। अभी अमृतपाल सिंह को कल जैसे ही गिरफ्तार किया गया है उसके तुरंत कुछ ही घंटों के भीतर उनको डिब्रूगढ़ जेल में लाया गया है। तो शायद पंजाब में वो सुरक्षित नहीं थे इसीलिए डिब्रूगढ़ में ले आया गया है, और आज या कल NSA की टीम फिर से आएंगी और वो उनसे पूछताछ करेंगी और उनके जो 9 पहले से ही जो 9 सदस्य है उनसे उनका साथी जो यहाँ पर कैदी बन के है उनसे भी पूछताछ लगातार जारी रहेगा, और इसके बाद उनको कोर्ट प्रोडक्शन रहेगा। तो कोर्ट प्रोडक्शन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कोर्ट प्रोडक्शन शायद वर्चुअल फॉर्मेट में हो, उनको यहाँ से पंजाब ना लिया जाए, यहाँ से जेल से ही वर्चुअल फॉर्मेट में ये सुनवाई हो और फिर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है उस पर अमल करना पड़ेगा पंजाब पुलिस को। जी जानना चाहेंगे कि अमृतपाल के जो साथी हैं 9 साथी इनको किस तरह जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग बैरक्स में रखा गया है, आपस में बातचीत कर पा रहे हैं या नहीं, क्या नजर रखी जा रही है इनके ऊपर? जी देखिए जो पता चल रहा है कि 13 नंबर सेल जहां पर सब एक साथ ही रह रहे हैं और उनको दिन में सिर्फ रात को सोने के समय वो अलग हो रहे हैं लेकिन दिन में वो बातचीत कर रहे हैं। दिन में उनकी जब खाना परोसा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप बी कैटेगरी का कैदी का उनको दर्जा दिया गया है और उस हिसाब से वो जैसे खाना पसंद करते हैं, जैसे पंजाब का जो फूड हैबिट है वो यहाँ पर उनको दिया जा रहा है। तो वो आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, आपस में मिल भी रहे हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं, तो क्योंकि जेल में किसी के आने में रोक टोक नहीं है, परिवार वाले जो नियम का पालन करते हुए अगर उनसे मिलना चाहता है, जैसे हमने कहा कि दलजीत सिंह कलसी के परिवार के उनके पत्नी और बेटा आकर उनसे मिलकर गए हैं, SGPC की तरफ से 3 सदस्यीय एक लॉयर्स का टीम आके उनसे मिलकर गए हैं और वो भी बताया है कि जेल के अंदर कोई समस्या नहीं है और वो सही से है। जो कुछ सोशल मीडिया में कुछ बातें आ रही वो बिल्कुल झूठ है। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए।